अब तो मुझे थोड़ा सा और भी संभल के चलना होगा, मुझे गिरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले थोड़ा सा डर कम था, क्योंकि अगर मैं गिर जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अब क्या है, अब तो मैं बम ही लेके चल रहा हूँ। मतलब आई मीन 5 लीटर पेट्रोल, वो बम से थोड़ी ही ना कम है। वो गिर गया और फट गया, कहीं गलती से आग लग गया ना, तो फिर मैं, मेरी बाइक सब उड़ जाएंगे। खराब रोड की शुरुआत हो गई है भाई, और मुझे चलना होगा बहुत सही से। एक्चुअली हुआ क्या होगा, रोड बना होगा ठीक है, उसके बाद ऊपर से गिरे होंगे पत्थर, और उसका क्लियर होने के बाद रोड बने नहीं हैं। और ये ऐसे वाले रोड है, देखो वो गॉड, वहाँ से कुछ गिरता तो कहाँ जाते हम लोग। एनीवे चलो, इसलिए फटाफट जहाँ भी रुके हो, ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो अभी वाले पहाड़ पर जुड़ना है ठीक है। थोड़ा सा पानी लेने के लिए रुका, एक होटल में गया, रेस्टोरेंट में एक्चुअली, वो बोला भाई दे दो ज़रा पानी पीने के लिए, उन्होंने भर के दिया। एक्चुअली वो यहाँ काम करने वाले बिहार के ही बंदे थे। बस बातें शुरू हो गई और क्या, 10 मिनट बातें हुई, पानी भर के रिफिल करके फिर उसने दे दिया। फिर वो बोल रहा है अरे आप बिहार से ऐसे ही आ गए हो, हम लोग तो सोचते रहते हैं आज जो छुट्टियाँ के लिए जाते हैं और आते हैं तो सोचना पड़ता है, आप ऐसे ही बाइक से आ रहे हो। ये हुई ना जगह। पता है मुझे ला, कभी कभी ऐसा मन होता है ना, ऐसा कुछ लगा हो ना यार, यहाँ से इस तरह, और बीच में मैं चुपचाप रात इस बिताऊँ को झूले जैसा, फिर अरे मज़ा आ जाएगा अगर वैसा कहीं कुछ जुगाड़ हो पाए तो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हाँ ऐसे करके ऊपर आया हूँ या उधर जाना है पता नहीं, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। देखो उत्तरी के ये तो अलग ही पत्थर है, जगह हर जो भी वैली है वो सब, सबकी स्पेशलिटीज अब अलग अलग है अपनी अपनी। फिर निकाल के यहाँ से फिर वो हनी कलेक्ट करके फिर आप एक्सपोर्ट करते हो यहाँ से ना, बेचते हो। अच्छा लोकल के कैसे वैसे प्राइसेस पड़ जाता है? 400 kg। चलो ओके बढ़िया। कोई एक चीज़ है, कुछ फ़र्क दिखा या नहीं दिखा? हाँ मैं पेड़ की बात कर रहा हूँ। देखो जैसे ही जैसे हाइट बढ़ता गया, पेड़ चेंज हो गया। ये पेड़ जो है ना वो आपको हाइट को शो करता है, मतलब ऐसे वाले पेड़ ना वो ज़्यादा हाइट्स पे होते हैं, तो ये वाली पहाड़ की हाइट जो है ना वो ज़्यादा है, जैसे कि रामपुर वाले से। अभी में क्या हो रहा है कि हाइट ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। अरे बड़ा मस्त सब बना हुआ है यार, सच में नेचर नेचर है, मतलब नेचर जैसी चीज़ें ना आप कभी नहीं क्रिएट कर सकते हो। हम बिल्डिंग्स बना लें, हम कॉलोनीज बना लें, लेकिन ये चीज़ें ना हम क्रिएट नहीं कर सकते, आप ऐसे पहाड़ नहीं बना सकते, और ये ऐसी सुकून, ऐसी वादियाँ, ऐसा टेम्परेचर ये क्रिएट नहीं कर सकते। आप एसी बना लगा सकते हो, आप एक रूम को सही से ठंडा कर सकते हो, लेकिन ऐसी नेचुरल चीज़ें जो है ना उसकी कॉपी कर पाना ना मतलब 10 to इम्पॉसिबल है। कौरिक 206 उत्तरी, अभी मतलब इस वाले से वो वाले भी जाना है। सही है यार, मतलब इतना गोल गोल घुमा घुमा के जाना है। चलो कम से कम एटलीस्ट रोड्स तो बने हुए हैं। कहाँ रुकूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ें ऐसी जगह कहीं ढूंढना पड़ेगा जहाँ कुछ अच्छे व्यूज मिले, आई मीन कुछ अच्छा फील हो सके। वो पूरे कॉर्नर पे ऐसा लगता है ना कि आगे कुछ बचा ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है कुछ। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक और आप चले जाएंगे सीधे स्वर्गलोक। टाइम हो गया है 4, मैं कितना चलाया कुछ पता नहीं, रामपुर से रामपुर क्रॉस कर गया बस ये जान रहा हूँ। जितना चला यार चला, कितना टेंशन लेना है, इतना टेंशन लेके नहीं चलता मैं, और ना टारगेट लेके चलता हूँ कि आज इतना चलाना है, आज इतना चलाना है, बस जहाँ तक चल जाएगा चल जाएगा। पू यहाँ से 124 किलोमीटर है, मुझे लगता है 1 घंटे हार्डली और ज़्यादा चलाऊँगा, उसके बाद कहीं जुगाड़ करता हूँ रुकने का। सावधान ऐसा लिखा है वहाँ, मैं कुछ कर नहीं रहा। आगे पत्थर गिर रहे हैं, कृपया सावधानी से चलें। ओ पत्थर गिर रहे हैं तो मतलब गिरेंगे ही गिरेंगे। उत्तरी वो देखो माशू, वो तो गिरने वाले, देख देख वो दिख रहा है। चल भाग 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 भाग, पहले भाग यहाँ से, और गाड़ी वाली बंद हो रही है यहाँ। चल हाँ अब रिलैक्स लग रहा है।
वो सच में बोला पत्थर तो एकदम वर्ज पर है, वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी पर है यार, वो कब गिर जाएगा पता नहीं। रुकने का कुछ जुगाड़ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ कि नीचे उतर रहा हूँ मैं कुछ पता नहीं है। पत्थर से बस बच के, पत्थर का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब ढेर सारे गिरे हैं ना, यही है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, मैं उठा के रखा हूँ। है क्या ये, कोई पहचानता है क्या, क्या है ये? चलो ये है राइट साइड कर्व, वो मानशो राइट राइट राइट। यार पता है यहाँ आने की ना, ये वाला मैं बहुत सारे के लॉग में, वीडियो लॉग में मैं देखा था, मुझे बहुत मन था यार यहाँ, मतलब ये वाली जगह पे आने का, चलने की। अब रुकने की बात कुछ की जाए, हिमांशु कहाँ रुकोगे बाबू मोशाय? किन्नौर तो पहुँच गए, इधर चल कोई नहीं, कहीं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा रहने का, क्यों मैं इतना टेंशन नहीं लेता।